रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है। कहते हैं कि दर्द लेखक की कलम की स्याही होती है, चाहे वो दर्द इश्क से मिला हो या तन्हाई का उपहार हो, चाहे पश्चाताप की आग की जलन हो या समाज के दलालों की हंसी हो, क्रिटिसिज्म। और जब कोई व्यक्ति अपनी व्यथा यानी अपने मन की बात, चाहे वो दुख हो या सुख, प्रेम भावना हो या नफरत की आग, किसी के आगे कहने में नाकामयाब हो जाता है, तब वही व्यथा अलग अलग रूप में बाहर आती है, जिसमें सबसे मशहूर रूप है शायरी या कविता। गालिब की जिंदगी कष्ट और पीड़ा से भरी रही है। मैं आपकी कहानीकार महक मिर्जा प्रभु आपका स्वागत करती हूँ आपके मन पसंदीदा और हमारे ब्रांड न्यू सीरीज एन ओड टू द इंडियन पोएट्स में। इस प्लेलिस्ट के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के उन मशहूर कवियों से जिन्होंने अपने अपने कलम के बदौलत लोगों के दिल पर राज किया है। इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आशिकों में मशहूर मिर्जा गालिब की। और अगर आप गौर करें तो आप देख पाएंगे कि मैंने भी अपना नाम उन्हीं से लिया है। आज जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखता है ना, तो लोग कहते हैं बड़ा गालिब बना फिरता है। बस इसी बात से हम समझ सकते हैं कि आखिर गालिब किस बला का नाम है। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के कला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान और माता का नाम इज्जत उल निसा। ऐसे तो उनके पूर्वज तुर्की में रहते थे, मगर 1750 में उनके दादा मिर्जा कोबन बेग खान समरकंद छोड़कर भारत आ गए। गालिब की जिंदगी कष्ट और पीड़ा से भरी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। महज 5 साल की उम्र में उनके सर से पिता का हाथ उठ गया। वे अपने चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान के साथ रहने लगे और वक्त के साथ जैसे जैसे वो संभलने लगे, कुछ सालों बाद उनके चाचा का भी निधन हो गया। गालिब की जिंदगी उनके चाचा के आए पेंशन पर चलने लगी। यही दर्द और अकेलेपन ने उनकी दोस्ती शेरो शायरी से करवाई। गालिब ने अपने दर्द के सिलसिले से उभर जाने की हालत पर लिखा है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। इस शायरी से उनकी जिंदगी के दुखों का अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गालिब अच्छे और ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते थे, तो रिवाजों के अनुसार उनकी शादी 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हुई। उनके 7 बच्चे हुए, मगर कोई भी बाल अवस्था तक को पार ना कर पाया। उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया और किस्मत ने उसे भी छीन लिया। हर बार वो खुशी तलाशते और हाथ दुख ही लगता। ऐसे किश्तों में मरने पर उन्होंने लिखा है कि कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार। जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक बार में ही मर जाना होता तो गम ही क्या था। गालिब के 19 साल तक की उम्र में उन्होंने इतनी गहरी बातें और इतनी अच्छी शायरी की कि हर कोई उनका कायल हो गया। हर कोई गालिब की लेखनी की तारीफ करता था, पर उनके पास ऐसा कोई काम नहीं था जिससे लगातार आमदनी हो और घर अच्छे से चल सके। इस बात को लेकर गालिब थोड़े चिड़चिड़े रहते थे। एक रोज की कहानी बताती हूँ। बहादुर शाह जफर के दरबार के शायर उस्ताद जौक अपनी पूरी थाट बाट के साथ गालिब की गलियों से गुजर रहे थे।
लोग उन्हें देखकर हलचल करने लगे। उस्ताद जौक आए हैं, उस्ताद जौक आए हैं। ये सब देखकर गालिब थोड़े चिड़चिड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। ये बात जौक साहब ने सुनी और बहादुर शाह जफर को बताया। जफर ने एक मुशायरा आयोजित करवाया और गालिब को भी इनवाइट किया। कई बड़े बड़े उस्तादों ने अपनी पेशकश की। जब बारी गालिब की आई तो बहादुर शाह जफर ने पूछ लिया उनसे कि तुमने जौक पर ताना क्यों कसा। गालिब ये सुनकर सुन पड़ गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि जौक ने ये बात सुन ली थी और आज उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए बड़ी चालाकी से बोला कि ये तो मेरी गजल की पंक्ति है, मैं उस्ताद जौक साहब पर कैसे ताने कस सकता हूँ। जौक भी उस्ताद ही थे ना। उन्होंने सारी चालाकी समझी और उन्होंने कहा, अगर ये तुम्हारी गजल की पंक्ति है तो पूरी गजल सुनाओ। गालिब ने कहा, अभी सुना देते हैं। अपनी जेब से गालिब ने कागज निकाला और पढ़ने लगे। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पहराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जस्तजू क्या है। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। सब ने उनकी इस गजल की तारीफ की, पर जिस कागज को देखकर गालिब ये गजल सुना रहे थे, वो कागज बिल्कुल कोरा था। मतलब उन्होंने अपने डिफेंस में इतनी खूबसूरत गजल लिख कर नहीं बल्कि उसी समय सोच कर सुना दी थी। इस मुशायरे के बाद गालिब और भी मशहूर हो गए। 1854 में गालिब बहादुर शाह जफर के अनुशिक्षक यानी मेंटोर बन गए और उस वक्त उस्ताद जौक भी उनके मेंटोर थे। ऐसे तो गालिब उर्दू, फारसी, अरबिक में शायरी करते थे, लेकिन वे इतनी सरलता से अपनी बात लिखते कि हर किसी को उनकी लिखी बात समझ आ जाया करती थी और हर किसी के जुबान पर गालिब ठहर जाया करते थे। इस बात से जुड़ा एक और किस्सा सुनाती हूँ। एक बार गालिब अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी एक फकीर उनकी लिखी एक गजल गाता हुआ गुजरा। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। जिसका अर्थ है, तुमसे मिलना लिखा ही नहीं था किस्मत में मेरे, अगर और जीते तो बस तुम्हारा इंतजार ही करते रहते। फिर कुछ देर बाद जब वो कोठे के बगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने इसी गजल का दूसरा मुखड़ा सुना जो एक तवायफ गा रही थी, जिसके बोल कुछ यूं थे, तेरे वादे पर जिए हम तो जान झूठ जाना, खुशी से मर न जाते अगर ऐतबार होता। इसका अर्थ है कि तुमने जो वादा किया उसे मैंने कभी सच माना ही नहीं, तभी तो जिंदा हूं, वरना खुशी के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। जब उन्होंने ये सुना तो गालिब ने अपने दोस्त से कहा कि जो गजल फकीर और तवायफ दोनों गाए उसे कोई नहीं मिटा सकता। और ये बात सच भी है, आज भी ये गजल उतनी ही खूबसूरत है जितनी उस जमाने में हुआ करती थी। इस घटना से उनकी लेखनी की सरलता का अनुमान लगाया जा सकता है। गालिब एक पूरा अंशमण है, उनके साथ जिंदगी ने ऐसी आंख मिचोली खेली है कि हर एक घटना एक शायरी ही लगती है। गालिब भी कम नहीं थे, इतने हाजिर जवाबी कि उनकी हाजिर जवाबी के किस्से अलग ही मशहूर हैं। माना गालिब ने कहा है कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी इंसान काम के थे। लेकिन आपको निकम्मा बिल्कुल नहीं होना है,
अगर आपको गालिब से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो माइंड वॉज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे यही एक नए कवि और उनके कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।